बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बना रही हूँ नाश्ता। कल जो हैं वो मैंने बनाए थे चावल, तो हस्बैंड जो हैं वो नाश्ते में चावल लेंगे और साथ में उनको चाय छान के दे दी थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेड लिए हैं और ब्रेड के 2 स्लाइस, साथ में अंडा और 1 कप चाय। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद बर्तन वगैरह धोए हैं। बर्तन धोने के बाद सारा किचन साफ़ किया है। मुकम्मल किचन साफ़ करने के बाद जो है अब जो है वो अपने बाकी काम जो है वो देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैंने मनी प्लांट का पौधा रखा हुआ ना, इसको मैं उठा के, तो इसकी ना टहनियाँ जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होगी। मैंने कहा इनका थोड़ा सा ऐसे इसके साथ लपेट देती हूँ और साथ में इसका ना जगह चेंज करती हूँ। थोड़ा सा भी घर में चेंज करो, थोड़ी सी भी चीज़ें की सेटिंग चेंज करो ना, बड़ा अच्छा बंदे पे असर पड़ता है। आजकल वैसे ही सर्दी इतनी ज़्यादा है, घर से बाहर तो निकला नहीं जाता, तो बस यही घर में है कि थोड़ा बहुत एक चीज़ देख के ना बंदा उकता सा जाता है। तो इस वजह से जो है ना वो आज मैंने कहा किसकी ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करती हूँ, इसको उठा के दूसरी साइड पे रखती हूँ और वहाँ से एक पौधे को उठा के इस साइड पे रखूँगी। तो यहाँ पे इस पौधे की सारी टहनियाँ जो है ना इसको मैंने इसके इर्द गिर्द ऐसे लपेट दिया है। वो बाहर बाहर को ना काफ़ी बड़ी बड़ी निकलना शुरू हो गई थी, तो मैंने इसको लपेट के ना इसको मॉइस्चराइज़ किया, इसको पानी दिया। जैसे इंसान को फ्रेश होने की ज़रूरत होती है ना, इस तरह पौधों को भी जो है ना वो हर एक दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो मैं ऐसे स्प्रे करके इसको मॉइस्चराइज़ करती हूँ और इनको फ्रेश करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है वो मैंने मनी प्लांट का पौधा इस खिड़की में रख दिया है और यहाँ से ये रेड फूलों वाला जो पौधा ना ये उठा के डाइनिंग टेबल के पास रखूँगी, ताकि जब खाना वगैरह खाएं और सामने ये फूल रेड और ग्रीन कितना प्यारा लगेगा। तो वैसे भी चेंजिंग करती रहनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेटिंग जो घर की चेंज कर दो ना तो वैसे ही बंदे पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है, बड़ा ना ऐसे फ्रेश सा फील होता है। आजकल तो वैसे ही घर में कैद हो गई हैं, तो बस इस वजह से जो है ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना वो पौधों का आज सेटिंग चेंज करती हूँ। और मेरे पास तो कोई था नहीं काम करने का, तो मैंने कहा चलो आज इनकी तरफ ही ध्यान देती हूँ। काफ़ी दिनों से 2-3 दिनों से सोच रही थी कि इनका चेंज करूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 मनी प्लांट के पौधे हो गए थे, तो मैंने कहा एक यहाँ से उठा देती हूँ। तो फिर मैंने बड़े वाला यहाँ से उठा दिया और फूल वाला ला के यहाँ पर रख दिया था। और अब सारे पौधों को जो है वो मॉइस्चराइज़ करूँगी, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना भी ज़रूरी होता है फ्रेशनेस के लिए। अच्छा लाफिस कर दो। अच्छा लाफिस बेबी, आप भी लाफिस कर दो आपा को। आज जो है ना वो ठंड थोड़ी सी कम हुई थी और नॉर्मल आज था, इतना भी कम नहीं थी, लेकिन ये है कि नॉर्मल था। बादल होने की वजह से ना जो कोहरा वगैरह पड़ा हुआ था वो सारा खुश्क हो गया था, तो यहाँ पे ना ठंड थोड़ी सी कम हुई थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा 2 बच्चों को लेके जाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप ना नकाशा को ले जाएं, अनाबिया को थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, तो मैंने कहा आप इसको ले जाएं और थोड़ा सा ऐसे बाहर साइकिल चलाएगी, थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। तो ये अपने बाबा के साथ चली गई थी बाहर। ये देखिए ऐसा ऐसा जो है ना वो साइकिल चलाती जा रही है, पूरी अपनी सेफ्टी, हेलमेट वगैरह और कूनियों पे और जो है ना घुटनों पे बांध के तो जाती है बाहर। तो ये गई है बाहर, तो मैं आप लोगों को अपने पौधों की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो इसको तैयार करने लग गई थी, तो ये देखें यहाँ पे ये वाला पौधा जो है ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था। और ये मनी प्लांट वाला पौधा जो है ना ये यहाँ पे मैंने वॉल सिमर की विंडो में रख दिया है। थोड़ा सा ना इनका मैंने सेटिंग वगैरह चेंज कर दिया, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज भी अच्छा होता है। और ये पौधा माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा, ये देखें इसने ऊपर जो है ना वो नए 3 से 4 पत्ते जो है ना वो निकालना शुरू किए, जिनका ये लाइट कलर है ना ये नए पत्ते इसने निकाले हैं। माशाल्लाह से पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रो कर रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं पौधे। वैसे ही मुझे तो पौधे बहुत पसंद है घर में ऐसे रखने के लिए। अब जाहिर है यहाँ पे जो है वो अंदर ही रख सकते हैं, बाहर तो इतनी ठंड होती है। हाँ, जब मौसम नॉर्मल मौसम होता है ना, फिर मैं बाहर सब्जियाँ वगैरह को कुछ थोड़ी बहुत गमलों में ये जो सामने पड़े हैं इनमें लगा लेती होती हूँ। बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ, ये देखें बाहर ऐसे ही बादल वगैरह बने हुए हैं। ठीक था, ज़रा थोड़ी सी ठंड ये है कि कम हो गया, बारिश हो जाए अल्लाह करे तो ये जो बीमारियां, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो ठीक हैं, बस इनको हल्का फुल्का जो है ना वो ज़ुकाम ही लगा है। तो बाहर से ये देखें ये मनी प्लांट का पौधा जो है ना ये मैंने यहाँ पे रख दिया था इस विंडो में। तो बस अब जो है ये मैंने कपड़े जो हैं वो मैंने 2-3 दिन पहले धोए थे, तो ऐसे स्टैंड में ये कमरा इतना यूज़ नहीं होता, तो इस कमरे में ऐसे स्टैंड पे जब टाइम मिलता है ना तो फिर इनको उठा लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज इनको सबको उठा के तो तय वगैरह लगा के कपड़ों को सारी जो जो जिस चीज़ के कपड़े हैं ना इनको उठा के इनकी जगहों पर इनकी अलमारियों में पहुँचाती हूँ। तो ये जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं ये तो सारा दिन ही ख़त्म नहीं होती, बस सारा दिन कामों में ही लगे रहो, छोटे छोटे काम। तो कहने वाले तो कह देते हैं कि सारा दिन किया क्या है, लेकिन ये छोटे छोटे काम भी करने से ही होते हैं, खुद से चल के ये काम होने नहीं है। अगर किसी ने करने हैं तो होने हैं, और करने के लिए भी बंदे के पास टाइम होना चाहिए, या बंदे के पास होना चाहिए कि बंदे ने ये छोटे छोटे काम भी करने हैं। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में। तो मैं शाम के खाना जो है ना वो खाने में, अपने खाने में जो है वो मैं चावल ही खाऊंगी जो मैंने कल बनाए थे। तो आज जो है वो मैंने शाम में कोई चीज़ नहीं बनाई थी, सालन भी पड़ा हुआ था और चावल भी अच्छे खासे पड़े हुए थे, तो फिर मैंने ना कोई चीज़ भी नहीं बनाई थी। सुबह इन्होंने तो चावल खा लिए थे, मैंने नहीं खाए थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं शाम में जो है ना वो चावल खा लेती हूँ, साथ मैंने सलाद खीरा वगैरह लेके ना। तो बस मेरा शाम का खाना यही हो गया था, मैंने यही चावल जो है ना वो शाम में खा लिए थे। तो मैंने शाम को फिर जो है ना इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं खाई थी। तो चावल जो है वो मैंने प्लेट में डाले हैं, बाकी चावल जो है वो वापस फ्रिज में रख दूँगी। प्लेट में चावल डालने के बाद इनको जो है वो मैं गर्म कर लेती हूँ, और ये वाले जो चावल हैं ये वापस फ्रिज में रख देती हूँ। अगर हस्बैंड नहीं खाने होंगे तो खा लेंगे, नहीं तो उनको सालन के साथ जो है वो रोटी बना दूँगी, सालन भी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो है वो अपने चावल गर्म कर लेते हैं, चावल गर्म करने के बाद बच्चों को भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी, और अपना शाम का खाना इंजॉय करूँगी मैं यहाँ पर। तो जी यहाँ पे जो है ना वो मैंने चावल गर्म करने के लिए रख दिए थे माइक्रोवेव में। और यहाँ पे ये देखें बाहर जो करेने लगी हुई हैं वो देखें, सामान ऊपर लेके जा रही थी। तो ऐसे ही बाहर देख रही थी खड़ी होकर, मैंने कहा जितनी देर में वो बंद होता है तो मैंने कहा आपके साथ भी बाहर का सीन शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे जो है वो मेरे चावल गर्म हो गए, इनको निकालती हूँ माइक्रोवेव ओवन से, और इसके ऊपर जो है वो खीरा काट के डालूंगी। बस मेरा खीरा ही खाने का दिल कर रहा था, मैंने फिर सलाद अपने लिए नहीं काटा था। तो यहाँ पे जो है वो ओवन को बंद कर दिया है, और इसके ऊपर खीरा काट के डालती हूँ, और बच्चों को भी बैठ के खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी, और मेरा शाम का खाना ये हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर मैंने बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज किए उनको, और उनको टाइम दिया। तो जी यहाँ पे जो है ना वो खाना शाना खा के छोटी बेटी के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे, अच्छे खासे गंदे किए हुए थे। सोने से पहले जो है ना वो मैं बच्चों के कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ, मैं इनको गंदे कपड़ों के साथ कभी भी नहीं लटाती। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।